गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मोहित पाठक आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टॉकिया पर। मार्केट बहुत ही नीचे है, बट ये नीचे आने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी, मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैंने पहले ही बोल रखा था, और दे आर एक्चुअली हैविंग इन पोजिशन शॉर्ट, और वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी अर्न कर रहे हैं, और अभी भी कुछ पुट्स की और कुछ कॉल मतलब जो निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन है वो अभी भी उनकी होल्डिंग में चल रही है, इवन मेरी भी चल रही है। बट कुछ मुझे अभी याद आ गया, सो मैंने कहा कि एक बार वो उसका स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब पे डालूं, सो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मैंने जो भी कॉल्स बनाई थी हमने उसको फुलफिल किया। ये 26 फरवरी को मैंने बोल दिया था, और वहाँ पे चार्ट के हिसाब से मुझे लगा कि निफ्टी ज़्यादा नीचे जाएगी और डे पर कुछ आने वाली डेज पर लो बनाएगी। सो एक तो ये रहा मेरी मेरे क्लाइंट्स सेकंड क्लाइंट्स लिस्ट, एंड आप फिर सेकंड भी देख सकते हैं, ये भी 26 फरवरी को ही मैंने दे दिया था। एज़ पर प्राइस एक्शन निफ्टी माइट मेक अ न्यू लो ऑन डेली चार्ट्स इन अपकमिंग डेज। एंड इसके अलावा जो मेरे और भी क्लाइंट्स थे उनको मैंने बोल दिया ही था। सो यू कैन सी सम प्रूफ्स आर देयर। देखिए, मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही आते हैं, और इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। बट जो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ है हमें उसको ग्रैब भी कर लेना चाहिए। इवन अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल टारगेट होता है मार्केट से रिटर्न जनरेट करना और प्रॉफिट कमाना, और अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो फिर हमारे ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है, फिर हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर प्रॉफिट कमा सके, देखिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चाहे वो बाई की अपॉर्चुनिटी हो या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो, हमें दोनों को ग्रैब करते रहना चाहिए और रिटर्न्स जनरेट करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर मार्केट में जो भी हमारे एडवर्स जब पोजीशन बनेगी, यानी हमारे एडवर्स अगर मूवमेंट आएगा तो हमें तकलीफ़ होगी। देखिए, मेरे भी पोर्टफोलियोज़ में लॉस हो रहा है, सभी के पोर्टफोलियोज़ में लॉस हो रहा है, बट इवन हम हेज थे, हमारी पोजीशन हेज थी, कितनों का ही मैंने पुट ले रखा था, कितनों ही मतलब स्किप्स को मैंने शॉर्ट कर रखा था। सो वहाँ पे ये मार्केट के डाउनफॉल में मुझे प्रॉफिट हुआ, और मुझे ये डाउनफॉल का जो पैनिक है वो मुझे नहीं हुआ। जो मेरे पोर्टफोलियो में लॉस था हो भी रहा है, अभी भी नेगेटिव रिटर्न है, उसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज कि मैंने शॉर्ट की पोजीशन से प्रॉफिट कमा लिए। तो मार्केट में तो कभी भी आप नेगेटिव पोजीशन मत लीजिए, हमेशा हेज रहिए, कवर्ड होके चलिए, क्योंकि मार्केट जब भी आपके अगेंस्ट में मूवमेंट देगा फिर वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो आपको हमेशा चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, और कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। ओके, सो दीज आर सम सजेशंस। और अभी भी मार्केट थोड़ा सा 100-200 पॉइंट नीचे जा सकता है, बट हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बाई करें, और 3 टेंस में हम बाई कर सकते हैं। सपोज़ कि अभी हम पहले पोजिशन पर यहाँ पर कुछ बाई कर सकते हैं, फिर और नीचे जाएगा तो हम वहाँ पे बाई कर सकेंगे, और फिर तीसरा हमारा पोजीशन होगा जो भी और नीचे जाएगा तो वहाँ पे हम बाई करेंगे। ओवरऑल आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अल्टीमेटली मार्केट जब 11,500-11,000-12,000 के नज़दीक होता था, हम तब इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे, तो फिर आज क्यों नहीं है? हमें आज तो इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए, क्योंकि हमारी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। सो इन सब चीज़ों को सोचिए और समझिए, और मार्केट से अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। अभी के लिए थोड़ा पैनिक मत होइए, जहाँ तक बने कवर्ड पोजीशन लेके चलिए। कवर्ड नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी। ओके, एंड मैं कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि आपको हेल्प, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके स्टॉक को रिलेटेड कोई स्टॉक की क्वेरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे स्टार्ट कर दिया है IPO के, जब मैंने वीडियो डाला था वहाँ से भी मुझे कॉल आने लगे थे। सो आप पैन इंडिया वाइज कहीं भी हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो। मैंने देखा है साउथ में हिंदी में नहीं आती लोगों को, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप अगर नहीं क्या होता है तबको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए, और आप मुझसे टच में रह सकते हैं। आपको जो भी सपोर्ट बनेगा मैं मेरे एंड से करता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।